बोर्ड्स आर सो हार्ड, बोर्ड इतने हार्ड क्यों होते हैं? हार्ड बोर्ड नहीं होते, हार्ड तुम हो, हार्ड तुम्हारी जिंदगी है, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता। पढ़ाई के अंदर तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा जीवन में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है, तो पढ़ाई में मन क्यों लगेगा? कितने बजे उठते हो सुबह? क्यों उठते हो? क्यों पढ़ते हो? क्या करेगा पढ़ के? ठीक है ना, इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा रूड भी हो सकता हूँ, तो पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन पहले ही बोल देना थोड़ा थोड़ा रूड हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सॉरी। तो पहले मुझे ये बताओ कि हम पढ़ते क्यों हैं? आप पढ़ क्यों रहे हो? ठीक है ना, मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे ये बताओ कि आप पढ़ क्यों रहे हो? ठीक है ना, पढ़ने का रीज़न क्या? आपके पास कोई एम है? ठीक है, आपके पास कोई लक्ष्य है? आपका कोई गोल है? चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, जो बच्चे पहले मैं 10th वाले ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लोगे? 80% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं मैं कौन सी स्ट्रीम लूंगा, और 20% भी वो बच्चे हैं जो सिर्फ अपने चाचा मामा भाई बहन की सुन रहे हैं, तुझे मेडिकल दिलवानी है, तुझे नॉन मेडिकल दिलवानी है। उन्हें खुद तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं कॉमर्स में जाऊँगा, मेडिकल में जाऊँगा, नॉन मेडिकल में जाऊँगा। अरे भाई, अब पहले 10th तो क्लियर कर लूँ, उनका यही रहा पहले 10th तो क्लियर कर लूँ। भाई 10th क्लियर करके भी क्या कर लेगा, क्या ही उखाड़ लेगा? आजकल तो बीटेक पढ़े पढ़े जो है फेल जो है ऐसे घूम रहे हैं बिना नौकरी के, तो वो क्या कर लेंगे? तू तो फिर भी बोला कि मैं 10th तो क्लियर कर लूँ, 10th के बाद मैं बहुत कुछ कर लूँगा, मैं मेडिकल ले लूँगा, मैं नॉन मेडिकल ले लूँगा, मैं पीसी भी लूँगा, मैं पीसीएम लूँगा, मैं कॉमर्स में जाऊँगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। भाई काय का बिजनेसमैन बनेगा? तू तूने सोचा है कभी बिजनेस कौन सा एक तरह का होता है? तो ये तक नहीं पता कि बिजनेस कितने टाइप का होता है? तुम लोगों को सिर्फ इतना पता है इंस्टाग्राम पर किसकी स्टोरी देखनी है, किसकी स्टोरी लाइक करनी है, किसकी पोस्ट देखनी है, किसकी पोस्ट हाइड करनी है, किसकी फोटो का स्क्रीनशॉट लेना है, किसको मैसेज करना है, किसको नहीं मैसेज करना, तुम्हें बस ये सब पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता कि बिजनेस कहते होता है, स्टडी कैसे होती है, स्टडी में हमें क्या करना है। मैं तुम्हें ये दावे का कह सकता हूं 80% जिसे वो वीडियो बच्चे देख रहे हैं ना, उसमें से 80% ये है जो अपना अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया होगा। टाइम टेबल अगर बनाया होगा तो 80% लोग उसे फॉलो ही नहीं करते होंगे। 20% भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ टाइम टेबल बनाया होगा, वो सोच रहे होंगे यार आज नहीं कल से पढ़ूंगा, आज नहीं आज पक्का 11 बजे बैठूंगा, आज पक्का 12 बजे बैठूंगा, आज भाई आधा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही वो बुक उठाते हो आधा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, उसके दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन समझ आते हैं, दो क्वेश्चन समझ नहीं आते, उसमें घंटा निकल जाता है, फिर तुम्हें नींद आ जाती है बुक खोलते ही। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा लाइफ में कोई गेम नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हें पता ही नहीं 10th के बाद करना क्या, 10th के बाद छोड़ो तुम्हें ये नहीं पता कि पढ़ाई के बाद क्या करूंगा। ठीक है ना, दावे के साथ कह सकता हूँ 10th और 12th वाले बच्चों को खास करके ध्यान से कान खोल के सुन लेना। जैसे दिसंबर जनवरी आएगा ना, वाट लगेगी तुम्हारी, वाट, जैसे प्री बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना तुम्हारे हाथ में, वाट लग जाएगी, वाट की भाई ये हो क्यों गया, हो क्या, पहली बार बोर्ड दे रहे हो ना, पहली बार तुम्हें हल्के में ले रहे हो भाई, 8th भी निकल गई, 9th भी निकल गई, ऐसे 10th भी निकाल देंगे। जब तुम्हें आएगा ना हाथ में सेट वाला पेपर, सेट 1 सेट 2, ठीक है ना, तो उसके बाद तुम्हारा वाट लगे कि भाई ये हो क्या गया, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए। वहाँ ना टीचर काम करता है ना दिमाग काम करता है। एग्जाम में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे जिन्हें सब कुछ पेपर आता है, उन्होंने गर्दन उठाने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, दूसरा वो बच्चा जिनकी गर्दन तो उठी रहती है लेकिन पसीना नीचे आ रहा होता है, भाई इधर उधर देख रहे होते हैं, इधर देखे तो इधर से पसीना आ गया, इधर देखे तो इधर से पसीना आ गया। भाई करे तो क्या करे, अब पास भी तो होना है, फिर लास्ट में हम करते हैं हे भगवान प्लीज पासिंग मार्क्स ही दे दे, हे भगवान मैं पास हो जाऊंगा, भाई मैंने इतने पेजेस लिखे थे, भाई मैं पास हो जाऊंगा। भाई क्या कर रहे हो ये? ठीक है, तुम्हारी खुद की कोई कॉमन सेंस नहीं है, पहले तुम पूरी की जिंदगी ऐश कर रहे हो, ठीक है, तुमने एक टाइम टेबल तक बनाया नहीं है, फिर तुम बोल रहे हो कि भगवान मुझे पास करा दे। ठीक है, भगवान तुम्हें पास कहाँ है, और तुम खुद लिए अपने लिए टाइम टेबल भी ना बनाओ, ऐसा कहाँ होता है? ठीक है ना, वो भी तो बच्चे देखो जो 16-16 घंटे पढ़ के नीट और जेई में टॉप करते हैं, तुम्हें तो ये नहीं पता कि मैंने प्लस टू वालों को कि 12th वालों को पीसी भी रखी है, पीसीएम रखी है, कि मैं नीट का पेपर दूंगा तो नीट के पेपर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कैसे पेपर आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, प्रेपरेशन करी तो छोड़ो, ठीक है, बड़ी मुश्किल से 20-30% बच्चे प्रेपरेशन कर रहे होंगे, बाकी 70% ऐसे बच्चे हैं जो सोचेंगे भाई 12th कंप्लीट हो जाए उसके बाद आराम से सोचेंगे भाई कौन से कॉलेज में जाना है, ड्रॉप लेना या क्या करना है। भाई ऐसा नहीं चलता, जिसकी लाइफ में कोई एम या लक्ष्य होता है ना, वो पहले सोच के बैठता है भाई ये मंथ ये जो सिलेबस है मैंने 6 महीने में कंप्लीट करना है, ये 6 महीने में कंप्लीट करना है, ये मेरा टाइम टेबल है। तुमने टाइम टेबल फॉलो करना तो छोड़ो, तुमने अब तक टाइम टेबल नहीं बनाया तक नहीं। तो कितने बजे उठते हो? ठीक है ना, 8 बजे, 9 बजे या 7 बजे, क्यों उठोगे? ठीक है ना, उठ के क्या करना है? उठ के फोन ही चलाना है। सबसे बड़ी जिंदगी 95% बच्चे ऐसे हैं जो उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं, और 5% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ उठते ही बुक उठाते हैं। भाई फोन सबसे ज्यादा प्यारा है ना, फोन में देखना होता है, स्क्रॉल करना होता है, किसका स्ट्रीक आई है, किसका स्नैपचैट पे मैसेज आया है, किसका इंस्टाग्राम पे न्यू स्टोरी रात को अपलोड हुई है, ठीक है, कोई रात को कहाँ पे घूम रहा था, उसमें सबसे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट रहता है एज कम्पेयर टू बुक्स उठाने में। भाई वो भाई रात उसने स्टोरी डाली थी यार, तूने देखा वो कहाँ पे घूम रहा था? भाई तुमने कभी ये पूछा है कि कल रात तूने क्या पढ़ा, तूने कल रात कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया? भाई हमारा कोई मोटिव ही नहीं है, क्या करेंगे हम पढ़ के बताओ, क्या आपका क्या है, कोई है? कमेंट करके जरूर बताना क्या मोटिव है आपका। सब अपना मोटिव बता देंगे, लेकिन उसमें से ये बता देना कि उसमें से जो मोटिव बता रहे हो नीचे कमेंट करके, वो मोटिव कितने बच्चे परसेंट, कितने परसेंट या कितने बच्चे उस मोटिव को फॉलो भी करते हैं। ठीक है ना,
मोटिव बनाना और फॉलो करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। हर बच्चा मोटिव बना लेता है, भाई आज मैं इतने चैप्टर करूंगा, आज मैं इतने चैप्टर करूंगा, आज पूरी SST कंप्लीट कर दूंगा, भाई आज पूरा मैथ कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। जब करने बैठो, भाई ये सब कैसे होना था भाई, इसका हमने करवाया था फॉर्मूला, मैडम ने इसने करवाया था यार, मैम मुझे लगता है मैम ने ये भूल गई है, स्किप कर गई। मैडम ने स्किप नहीं किया, स्किप तुम्हारे दिमाग ने किया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को क्या है, तुम्हारे दिमाग को कोई टेंशन नहीं है कि भाई मेरा एम क्या है। जब तक तुम्हारी लाइफ में कोई एम, कोई लक्ष्य नहीं होगा ना कि भाई मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है ना, मेरे लिए ये टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, मुझे इसमें चाहे 10वीं में पार करना पड़े, 11वीं में जाना पड़े, 12वीं, ये मेरा टारगेट है, मुझे इस टारगेट तक कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी तरह पहुंचना ही पहुंचना। लेकिन तुम्हारे पास कोई टारगेट ही नहीं है, क्या टारगेट है तुम्हारा, कोई भी टारगेट नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन बनोगे कैसे, वो टारगेट हो गया, उसके लिए भैया एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और एफर्ट्स कहाँ कर रहे हो तुम, सो के स्टोरी देख के इंस्टाग्राम चला के, ये तुम्हारे एफर्ट्स है, दिस इज नॉट एफर्ट्स, ठीक है ना। ये तुम्हारा, बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि भाई मैं नीट क्लियर करूंगा, मैं MBBS डॉक्टर बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, भाई ये बोलने की बातें हैं, उस राह के ऊपर चल भी रहे हो, ये तो बताओ मेरे को बिजनेसमैन बनने के लिए क्या कर रहे हो तुम, कुछ भी तो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तुम सब इतना सोच रहे हो कि भाई मेरी 12th क्लियर हो जाए, कैसे भी करके 12th क्लियर हो जाए, भाई मेरी किसी भी करके 10th क्लियर हो जाए, पहली बार बोर्ड दे रहे हो ना, 440 बोर्ड का झटका लगना ही लगना है, इस बात को ध्यान से दिमाग में बिठा लेना, जो अभी तक बुक नहीं उठाते हो। जिन बच्चों ने अभी तक बुक उठाई है उनको लगेगा 220 बोर्ड का झटका, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक बुक किताब कुछ भी नहीं समझ ही नहीं आ रहा, भाई पढ़े क्या, या फिर कुछ अच्छे सोच रहे हैं कि 8th में पास हो गए, 9th में पास हो गए, अब 10th में भी आराम से निकल जाए, कोई चक्कर नहीं है, बोर्ड ही तो है, बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, भाई बहन भी तो पास हुए, मैं भी हो जाऊंगा। भाई सब बंदों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, अगर सब बंदों का दिमाग एक जैसा होता ना, तुम्हारी शक्लें आंखें सब उनकी जैसे होते, आज हम अपनी लाइफ के अंदर हम यूनिक ना होते, भगवान ने हमें यूनिक बनाया तो यूनिकनेस का फायदा लो, लेकिन तुम्हें यूनिक बनना ही नहीं है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लोगों को फॉलो करना है, ठीक है ना। कभी किसी के पीछे बैठ के उधर चले जाना है, कभी अपने फ्रेंड के पीछे बैठ के उधर चले जाना है, कभी अपने फ्रेंड को फोन लगा, आ भाई चला ग्राउंड में चलते हैं, आ भाई इधर चलते हैं, ठीक है, तुम्हें सिर्फ गेड़ियां मारनी है, तुम्हें यूनिक नहीं बनना, तुम्हें एक दूसरे को फॉलो करना। भाई फ्रेंड ने न्यू टी शर्ट लिया, भाई कौन से कलर के लिए, अच्छा चल मैं भी लूंगा, मैं भी टी शर्ट लिया, भाई ने नए जूते लिए, भाई ने नया फोन लिया, भाई ने बाइक ले ली यार, मैं भी बाइक लूंगा यार, भाई ने एक्टिवा ली यार, मैं तो एक्टिवा भी लूंगा यार। लेकिन तुम दूसरों को फॉलो करते हो, तुम अपनी अपनी यूनिकनेस को नहीं फॉलो करते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। और सबसे बड़ी कमी पता है किस में तुम्हारी, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है तुम्हारे पढ़ने के तरीके में, तुम्हारे पढ़ने के मेथड में। तुम क्या करते हो यार, एक दिन में पहले महीने महीना पढ़ोगे नहीं, फिर भाई आधा हफ्ते में 2 चैप्टर खत्म कर दूंगा, भाई हफ्ते में 3 चैप्टर खत्म करो, और भाई महीने में इंग्लिश खत्म, मेरी इंग्लिश में खत्म करके छोड़ूंगा, दिस इज वन ऑफ द रोस्ट मेथड, ये सबसे बुरा मेथड है जिसको आप स्टडी के लिए फॉलो करते हैं। हमेशा स्टडी को टुकड़ों में पढ़ो, पार्ट्स में पढ़ो, डिवाइड करके पढ़ो, ठीक है। अपने माइंड में ये मत लक्ष्य करो, ये मत रखो कि भाई मुझे 15 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आपने ये टारगेट रखना कि एक हफ्ते में सिर्फ मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, चाहे वो इंग्लिश के मैथ, उसके अलावा मेरा बाकी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बस एक हफ्ते में चाहे एक का टारगेट रख लो, 2 का टारगेट रख लो, 15 दिन में रख लो, महीने में रख लो, उसके अलावा बाकी सारे मैथ, साइंस, अकाउंट सबको भूल जाओ, बायोलॉजी को भूल जाओ, सबको भूल जाओ, सिर्फ इतना माइंड में रखो एक महीने में सिर्फ मुझे बायोलॉजी के 2 चैप्टर करने हैं, बस इससे मेरी बायोलॉजी खत्म, इससे मेरी बायोलॉजी खत्म। फिर जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा फिर से अपना टारगेट रखो, बस इस मंथ में 2 बायोलॉजी करनी है, 2 चैप्टर करने हैं, मेरा चैप्टर खत्म, मेरी बायोलॉजी खत्म, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे भाई महीने में मुझे 4-4 चैप्टर करने हैं, तो कभी भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने हमेशा एम को इतना बढ़ा के रखा है, इतना बड़ा कभी भी नहीं रखना, हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, तो पहले इतने से शुरू करोगे तभी यहाँ पे पहुंचोगे, अगर यहाँ सीधा पहुंचने की कोशिश करोगे तो नीचे ही गिरोगे ना, फिर आप बोलोगे सर मैंने टाइम टेबल भी बनाया था, मैंने टाइम टेबल बना के भी देख लिया, मैंने वह फॉलो भी करके देखा, लेकिन मेरा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं बैठ रहा, कॉन्सेंट्रेट कैसे बैठेगा, ठीक है ना। आज तक तुमने कभी किताब नहीं उठाई, और जब किताब उठाई है तो सीधा तुमने एम रख लिया कि भाई 6 चैप्टर कंप्लीट करने ही करने हैं, 10 चैप्टर कंप्लीट करने ही करने, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। और एक बच्चों के बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि भाई हम पढ़े कैसे, पढ़े कैसे, कौन सी बुक्स फॉलो करें, तब मैं उन्हें एक सजेस्ट करना चाहता हूँ 12th वाले बच्चों के लिए, खास के लिए उन बहुत सारे बच्चों की अकाउंट्स में दिक्कत आती है, तो 12th वाले बच्चों को अकाउंट्स के रिलेटेड मैं एक बुक ऑफ बता रहा हूँ, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक बुक है। ये बुक मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ उसका मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। पहली बात तो देखो, ये सारी की सारी कलर्ड बुक है, कलर्ड बुक होने के साथ जिसमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस होती है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि होता क्या है, कलर्ड बुक है, एवरी छोटी से छोटी चीज को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ऊपर से इसमें आपको सारे के सारे 1 मार्क क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, और विद आंसर मिलेंगे, 1 मार्क मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अकाउंट्स के अंदर उन्हें पता ही नहीं होता 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे आता है, क्योंकि MCQ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके 10 MCQ गलत हो गए तो सीधे 10 नंबर गए, और वहीं से आपकी परसेंटेज 5-10% गई, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, सारे चैप्टर वाइज जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, प्लस 1 मार्क क्वेश्चन दिए, 2 मार्क्स क्वेश्चन दिए, 3 मार्क्स क्वेश्चन दिए गए,
इसके साथ साथ इन्होंने क्या चीज दी है वो मुझे सबसे अच्छी लगी, इसमें टॉपर्स की भी आंसर शीट दी हुई है, टॉपर्स की हर क्वेश्चन के टॉपर्स के आंसर बताए हुए हैं हर क्वेश्चन के, कि आपको टॉपर से जो आंसर है वो कैसे लिखते हैं और जो बाकी नॉर्मल आंसर है वो कैसा था, उनमें क्या डिफरेंस है, तो इस चीज को आप समझो जिससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी, टॉपर्स जो है उनके टॉप नंबर कैसे आते हैं, उन्हें लिखने का तरीका क्या उनके, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको ये देखो ये मैं दिखा देता हूँ, देखो टॉपर्स आंसर 2020 का, ऐसे आपको 2020-21 सब बच्चों के टॉपर्स के आंसर जो आपको देखने को मिलेंगे कि वो टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं और हम कैसे आंसर लिखते हैं, अपने आपको कंपैरिजन करो कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएंगे, सेल्फ असेसमेंट पेपर अगर आपका चैप्टर रिविजन हो गया तो आप सेल्फ असेसमेंट पेपर को ट्राई करने की कोशिश करो, ये आपको सॉल्व भी मिलेंगे अनसॉल्व भी मिलेंगे। इसके साथ साथ मुझे इसमें सबसे ज्यादा चीज क्या लगी, इसकी जो वर्डिंग है वो बहुत ज्यादा ईजी है, कोई भी वर्डिंग इसके अंदर टफ नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी बुक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें अकाउंट्स कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, तो वो वाले बच्चे इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये बुक को परचेज करना चाहते हो बाय करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप ये बुक को जो है वो बाय कर सकते हो। और इसमें सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिन बच्चों को लगता है कि वो अकाउंट्स के अंदर वीक है उनके लिए भी सजेस्ट कर देता हूँ, जो बच्चे लगता है अकाउंट्स के अंदर वीक है वो अगर ये पूरी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आराम से पास हो जाएंगे।